श्रवण मास का पावन महीना सावन चल रहा है और इस वक्त भोले के भक्त दूर दूर से बड़े बड़े दूर से हरिद्वार गढ़ मुक्तेश्वर यहाँ से कांवड़ लेकर आते हैं और जल लेकर आते हैं और जल अभिषेक करते हैं शिवालयों में। और आज से तरफ का दिन था तो कांवड़ियों की बहुत बड़ी भीड़ देखी गई मंदिरों में। पर दूसरी बात यहाँ पर दिलचस्प ये है कि अब की बार जो सावन में पाँच सोमवार पड़ रहे हैं बहुत शुभदायी फलदायी माना जा रहा है। गौरव नॉलेज फेस्टिवल कांवड़ को लेकर क्या व्यवस्था की गई संबंध है? देखिए कांवड़ को लेके जनपद में दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। नंबर एक तो जिन मंदिरों पर जलाभिषेक होता है उन मंदिरों पर बैरिकेडिंग वगैरह करके पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। इसके अलावा जो कांवड़िए जिन मार्गों से गुजरते हैं जिनके सेंसिटिव और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं उन पूरे रूट पर पुलिस व्यवस्था की गई है। पूरे जनपद में जो मुख्य स्थान है और जो मुख्य मतलब नगर हैं जहाँ सेंसिटिव क्षेत्र हैं उनको टोटल 11 सेक्टर में बांटा गया है और सेक्टर में बांट के रूट पर जो कांवड़ियों के जत्थे आएंगे उनसे पूर्व में बात करके उनको एस्कॉर्ट करने की व्यवस्था की गई है। इसमें अर्धसैनिक बलों को भी पीएससी को लगाया गया है। पीएससी की दो कंपनी मतलब जनपद में डिप्लॉय की गई है भिन्न भिन्न स्थानों पर। इसके अलावा जो हमारे ग्राम चौकीदार होते हैं उनको भी इस बार हम पहली बार इसमें लगा रहे हैं उनकी मदद ले रहे हैं। और 11 जो सेक्टर बनाए गए हैं उसमें 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सभी क्षेत्राधिकारी जोन के रूप में अपने सर्किल को सुपरवाइज करेंगे उनके साथ कंसर्न जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम्स लगे हुए हैं। इस प्रकार भारी पुलिस व्यवस्थापन करके व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने का प्रयास पूरे